अरे सुनो, बहुत परेशान हो ना? बहुत सारे मसले मसाइल चल रहे हैं ज़िंदगी में। अपने आप को थोड़ा सा वक्त देना शुरू करो, बहुत से मसले हल हो जाएंगे। मगर वक्त देने के साथ साथ ये मत भूलना कि जिन बातों के लिए तुम परेशान हो ना, मसलन आजकल की महंगाई में, आजकल के दौर में इनकम को लेकर परेशान हो, खर्चे पूरे नहीं हो रहे, तो ठीक है, कोई मसला नहीं। तुम अपने हिस्से की मेहनत करो, दुआ करो, और जितना तुम्हारे रिस्क लिखा हुआ है, जितनी इनकम रुपया पैसा तुम्हारे लिए लिखा हुआ है, वो तुम्हें मिलकर ही रहेगा। रिस्क अल्लाह ने वादा किया है अपने बंदे को देने का, अपनी मखलूक को देने का। परेशान ना हुआ करो, अल्लाह से मदद की मांगा करो और अल्लाह पर ही यकीन रखा करो। और जो बात रही लाइफ पार्टनर की, शादी नहीं हो रही, अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा, तो कोई मसला नहीं, ये कॉमन इशू चल रहा है। अरे भाई, तुम और तुम्हारी फैमिली अपना काम करते रहो, ढूंढते रहो उस शख्स को जो तुम्हें पसंद आ जाए, क्योंकि जो तुम्हें पसंद आएगा मोस्ट प्रोबेबली वही अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा हुआ है। कभी कभार हम आगे पीछे कुछ और भी पसंद कर लेते हैं, मगर जो हमें नहीं मिलता वो हमारे लिए एक्चुअली बेहतर ही नहीं होता, अल्लाह हमें उससे बचा रहा होता है। तो शादी की टेंशन भी ख़त्म। और जो लोग शादीशुदा और अपनी शादी से थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, उनके लिए प्रो टिप ये है कि बहुत ज़्यादा सोचा मत करें, अपना फुल गुड दें और थोड़े छोटे छोटे मसलों को इग्नोर करना सीखें। अल्लाह से बहुत सारी बातें करें, अल्लाह ताला को कहें ये इस तरह से मैं इन बातों से डिस्टर्ब हो रहा हूँ, प्लीज़ आप इसमें ये ठीक कर दीजिए। और थोड़ा थोड़ा ख़ुद भी कम्युनिकेशन प्रॉपरली प्यार से बैठ के किया करें। जो बात रही करियर की, करियर हाँ बनाना चाहिए, इंसान ने कुछ तो बनना है, इकट्ठे तो नहीं ना होके बैठ जाना, कुछ ना कुछ करना है और कुछ नहीं करना, बहुत अच्छा करके बन के दिखाना है। सिर्फ अपनी दुनिया के लिए नहीं, आखिरत भी संवारनी है, कुछ अच्छा और बेहतरीन करना है। जो बात रही ज़िंदगी गुजर गई है, अगर इतना टाइम बीच में हमने अफसोस हो के, सैड हो के, डिप्रेशन में रह रह के गुजार दिया है, तो हमने अब उस टाइम पर बैठ के मज़ीद अफसोस नहीं करना कि हमने अपना टाइम ज़ाया कर दिया। नो, नॉट एट ऑल। अरे ज़िंदगी और मौत तो सिर्फ अल्लाह ने लिखी हुई है, कौन कब जानता है कब आ जाए। ज़िंदगी ऐसे जियो कि अगले ही लम्हे अगर मौत है तो तुम उसके लिए रेडी हो। दुनिया से ज़्यादा अपनी आखिरत संवारना शुरू करो, बहुत मुतमइन रहने लग जाओगे। दुनिया में सिर्फ और सिर्फ मुसाफिर बनकर हो, क्योंकि हम मुसाफिर बनकर ही आए हुए हैं। हर मामले में सिर्फ अल्लाह पर भरोसा करना शुरू कर दो। और बहुत सारी मेहनत, मगर मेहनत करते हुए ये मत भूल जाना कि तुम्हारे जिस्म को भी सुकून और आराम की ज़रूरत है, तुम्हारे अपने प्यारों को तुम्हारे वक्त की ज़रूरत है। इंशाल्लाह सब कुछ बहुत जल्द अल्लाह के करम फजल के साथ ठीक हो जाना है। जब वक्त हमेशा एक नहीं रहता, मौसम सदाबहार नहीं रहता, तो हम कैसे सोच सकते हैं ये हमारी परेशानी, टेंशन, डिप्रेशन हमेशा रहेगा। बस अपने आप को इसमें से निकालना सीखो। बस क्योंकि इस बात पे हमें बहुत ज़्यादा यकीन होना चाहिए कि अल्लाह ने अगर हमारे लिए कुछ लिखा है तो वो कोई भी हमसे छीन नहीं सकता। जस्ट रिलैक्स, अपने सिर्फ तीन काम अपने वाले करते रहो, मेहनत, दुआ और सब्र। और सब्र के लिए एक खूबसूरत सी लाइन है आपके लिए। सब्र कर ले ऐसे जैसे रोज़ा रख लिया, इस तसल्ली के साथ कि मगरिब की अज़ान हो ही जानी है।